इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले चार दिन से पीडीएम ने, हुकूमत ने जो मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब की पिक्चर पेंट करने की जो कोशिश की है वो तो बजारन बड़ी उन्होंने कामयाब की है। लेकिन क्या वो पिक्चर पेंट हो गई है? अगर ये कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे इतने ही तगड़ा इलेक्शन कमीशन का फैसला है तो फिर तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में अब तक पिटीशन फाइल हो जानी चाहिए थी। इतना तो वाज़ेह है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उसमें जो फैक्ट्स इमरान खान के खिलाफ है वो बिल्कुल अजहर मिनर शम्स है। बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी ये तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की फंडिंग है, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की फंडिंग को अगर आप फॉरेन फंडिंग कहेंगे, चीजों को मिक्सअप करने की कोशिश की जा रही है। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी और नूर लीग की फंडिंग की सोर्स क्या? इन दोनों के मुकदमे भी वहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरेन कंपनियों से आप पैसे नहीं ले सकते? इमरान खान साहब का खौफ ही उनकी अवामी मकबूलियत है। इस वक्त अगर वो इलेक्शन के अलावा जितना वो डिले करते जा रहे हैं पीडीएम वाले, ये चीजें उनके खिलाफ जा रही हैं। एक तरफ ये कहते हैं पार्टी तहलील, अब ये पार्टी तहलील नहीं करवाना चाहते, अब ये सिर्फ फोकस कर रहे हैं इमरान खान साहब को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब के सियासी करियर में तो बहुत मुश्किल लम्हात आए, कुछ अदालती ऐसे केसेस भी बने इमरान खान साहब के जिसमें से वो बिलाखिर सुरखरू हुए और कामयाब हुए, लेकिन उनकी जमात यानी ओवरऑल पूरी पार्टी के ऊपर बंदिश का ऐसा सख्त मरला कभी नहीं आया जिसका सामना वो अब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो 68 सफात का फैसला है, अगर मैं उनको 5 जुमलों में आपके सामने रखूं तो जो इल्ज़ामात लगते हैं इमरान खान साहब के ऊपर 5। पहला इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने 13 अकाउंट्स से लाताल्लुकी का इजहार किया है और ये वो 13 अकाउंट्स हैं जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप के नाम से बने या चलाए गए। दूसरा इल्ज़ाम ये लगा कि 3 अकाउंट्स को छुपाया गया। तीसरा इल्ज़ाम ये लगा कि गैर मुल्की कंपनियों से, भले वो पाकिस्तानियों की कंपनियां थी लेकिन पाकिस्तान से बाहर थी, उनसे इनको डोनेशन या चंदा या पार्टी फंड मिले। चौथा इल्ज़ाम ये कि कुछ फॉरेन नेशनल्स की तरफ से भी पार्टी को फंडिंग हुई। और पांचवा इल्ज़ाम ये है इमरान खान साहब के ऊपर कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट जमा करवाया जिसको हुकूमत ओथ से जोड़ रही है यानी हल्फ से जोड़ रही है, एफिडेविट से जोड़ रही है, और पीटीआई का मौकफ है कि ये एफिडेविट नहीं है, ये कोई बयान हल्फी नहीं है, दरअसल ये एक सर्टिफिकेट है, वो इमरान खान साहब ने 5 साल तक गलत या झूठा या जाली जमा करवाया। सो ये 5 अहम इल्ज़ाम हैं। हुकूमत को चूँकि मौका चाहिए था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि कहीं थोड़ी सी कोई कमज़ोरी मिल जाए पीटीआई की या खान साहब की, हम उसको लेकर और हंटर उठाएं खान साहब के पीछे लग जाएं, और वो उनको मिल गई। डिक्लेरेशन का भी हुकूमत ने कल ऐलान कर दिया है कि आशूरा के बाद कैबिनेट में हम इसको लेकर जाएंगे और कैबिनेट के फैसले के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की मुस्तकिल पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन भी दाखिल किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हुए मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, 2 सीनियर सहाफ़ी और सियासी तबसरों तज्जियों के माहिर साबिर शाकिर साहब और गरीदा फारूकी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर आइन और कानून के माहिर फैसल चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ को भी मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान की मोतबर अदालतों के अंदर उनको भी काउंसलिंग करते रहें। साबिर शाकिर साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ, फैसले के ऊपर हम जाते हैं लेकिन जो आज फैसला किया है इमरान खान साहब ने, 14 अगस्त को पावर शो करेंगे, उसका एक नफसियाती असर तो पड़ सकता है हुकूमत के ऊपर, लेकिन केस तो अब चलेगा अदालत में और FIA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। असद कैसर साहब को भी 11 तारीख को बुला लिया है, महमूदुर रशीद साहब को भी बुला लिया है, जलसा पॉलिटिकल प्रेशर तो हो सकता है, केस बंद तो या रुक तो नहीं सकता उससे? अच्छा, सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल बैटल है, ये दोनों ही फ्रीक समझते हैं कि ये लीगल बैटल से ज़्यादा पॉलिटिकल बैटल ज़्यादा है, मसला सियासी मैदान में आएगा ये। और इसीलिए आपने जब ये देखा कि इलेक्शन कमीशन का जब ये 2 ड्राफ्ट आए, एक तो पहले आ गया, उसके बाद फिर एक फरमाइशी, उसमें 1.5-2 लाइनों का इजाफा कर दिया गया, तो 2 ड्राफ्ट आए। दोनों ड्राफ्ट आने के बाद यकदम जो हुक्मरान इत्तेहाद था उसके हाथ में एक टूल आ गया
और उन्होंने भरपूर चढ़ाई की और इस तरीके से चढ़ाई की, तकरीबन 150-200 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उससे लग रहा था कि बस ये 24 घंटे का ही मामला है, 24 से 36 घंटे में जो अपने मुखालफीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वो लपेट देंगे और ये मामला ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद जो असल इंटरनल मैं आपको बता रहा हूँ, जो कैबिनेट डिस्कशन हुई, जो किचन कैबिनेट में हुई, जो पीडीएम के दरमियान गुफ्तगू हुई, जो बंद कमरों में इनके सलाह मशवरे हुए, उसकी रीडिंग ये है कि ये एक रिस्की काम है। अगर हम बराह रास्त इसको ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो एक सबसे बड़ा सियासी जुआ है और इसके 50-50 नहीं बल्कि 40-60% चांसेस हैं कि 60% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये जा सकता है, 40% चांसेस हैं हमारे। इसलिए हुक्मरान इत्तेहाद ने जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनके गोला बारूद एक साइड पे रख दें, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद ने फिर वापस आना शुरू हुआ। लेकिन साबिर साहब, कदा कलामी की माजरत, ये तो देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले चार दिन से पीडीएम ने, हुकूमत ने जो मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब की पिक्चर पेंट करने की जो कोशिश की है वो तो बजारन बड़ी उन्होंने कामयाब की है। एक दिन में 8-8, 9-9 प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना, पोलिटिकल बैटल, पोलिटिकल नैरेटिव के साथ आना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो पिक्चर पेंट हो गई है? असल मसला ये है, अगर ये कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे इतने ही तगड़ा इलेक्शन कमीशन का फैसला है तो फिर तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में अब तक पिटीशन फाइल हो जानी चाहिए थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके ये डिस्क्वालिफिकेशन ले लेनी चाहिए थी अगर ये कानूनी और आईनी तौर पर इतना तगड़ा केस है। मसला मैं फिर यही कहूँगा कि ये हुक्मरान इत्तेहाद को भी पता है कि ये एक 60-40 का है जुआ, क्या हमें खेलना चाहिए, तो इसलिए वो अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रहे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं और वो आ गए हैं एफआईए पे कि जी एफआईए को ये मामला दे दिया गया है और अब हम एफआईए की तरफ, ये सारा एफआईए की तरफ लेके जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो इसको लिंगर को लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं और हैमरिंग करना चाह रहे हैं मैक्सिमम जितनी हो जाए। सही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा वो इंतहाई आखिर में जाके खटखटाएंगे जब उनके लिए साजगार उनको होगा, क्योंकि एक और बात भी बता दूं, फैसल चौधरी साहब भी बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक ये मामला डिस्पोज ऑफ नहीं किया, अभी उन्होंने शो का नोटिस दिया बिल्कुल, है बिल्कुल, और उसके बाद नीचे हाई कोर्ट पड़ा है, 199 की रिट बनती है, तो ये बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारे जो है चांस लेंगे हुक्मरान इत्तेहाद या सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तख्त या तख्ता। तो अभी हनूस दिल्ली दूरस्त, मैं समझता हूँ दूरस्त, राइट, यही बहुत सारे यही नुकता लेके मैं गरीदा साहबा के पास जाऊंगा। गरीदा साहबा, अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले के फैक्ट्स देखें तो वो तो अब ब्लैक एंड वाइट में मौजूद है, उनको उनसे तो कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता, वो जितने भी कमज़ोर हैं या जितने भी मजबूत हैं। लेकिन अगर हम हुकूमत के पोलिटिकल रिटारिक को सुने तो वो तो ये तासुर मिल रहा है कि शायद इमरान खान साहब ने कुछ सौदा कर दिया, बहुत बड़ी कोई गद्दारी कंटेम्प्ट हो गई, उन्होंने गैर मुल्कियों के हाथों पार्टी का सौदा कर दिया, इसमें पैसों की कोई बहुत बड़ी गबन हुई है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुई है। अब इस वक्त पॉलिटिकल रेटोरिक में और फैक्ट्स में एक दौड़ चल रही है, आगे कौन जा रहा है इस वक्त? देखिए, आगे कौन जा रहा है या पीछे कौन रह गया है ये एक अलग बहस है, लेकिन इतना तो वाज़ह है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उसमें जो फैक्ट्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ के या इमरान खान के खिलाफ है वो बिल्कुल अजहर मिन शम्स है। उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि नहीं जी ये तो गलत है, नहीं जी ये तो ऐसा हुआ था। अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो चंद लोगों के, अच्छा वो इंडिविजुअल्स है जिनकी वीडियो सामने आ रही हैं, एक खातून है, दो तीन लोग और हैं, उनकी वीडियो सामने लाई गई हैं कि देखें जी ये हैं वो फॉरन नेशनल्स, ये हैं वो फॉरन इंडिविजुअल्स, ये तो ओवरसीज पाकिस्तानीज है। फिर एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी ये तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की फंडिंग है, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की फंडिंग को अगर आप फॉरेन फंडिंग कहेंगे, चीजों को मिक्सअप करने की कोशिश की जा रही है। दो तीन चीजें बतौर सहाफी मेरा फर्ज है कि मैं आपके प्रोग्राम के जरिए, आपके देखने वाले लाखों करोड़ों हैं माशाल्लाह आपके चाहने वाले, कि चीजें बिल्कुल फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसमें से आप फैसला क्या करते हैं वो आवाम पे छोड़ दें, वो लीगल माइंड पे छोड़ दें, और आवाम बड़ी समझदार है इस वक्त, वो जान जाती है कि जी कहाँ पर
क्या चीज़ किस तरह से है। एक तो इमरान खान साहब ने झूठा बयान हल्फी, आप उसको एफिडेविट कहें, आप उसको सर्टिफिकेट कहें, बट द थिंग इज कि इमरान खान साहब ने अपने सिग्नेचर के साथ एक झूठा बयान, ठीक है आप उसको बयान हल्फी ना कहें, आपको बयान हल्फी से अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या आप उसको समझते हैं कि नहीं जी ये हमारा मौकफ नहीं है, ठीक है आप उसको सर्टिफिकेट कह दें, लेकिन सर्टिफिकेट भी तो आपने झूठ पर मबनी, आपने उसमें गलत बयानी पर मबनी पेश किया ना। आप उसको जो भी कहें कि जी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, भाई आपकी पार्टी है, आप इस पार्टी के लिए माशाल्लाह 22 23 24 साल से जिद्दोजहद कर रहे हैं और आप हमेशा से एक शफाफियत का, एक सफाई का, आप हमेशा से एक जो कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर होने से इन सब चीज़ें आप उसका एक बयानिया लेके चल रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस मुल्क में शफाफियत चाहते हैं, आप इदारों को शफाफ होना चाहते हैं, आप इस मुल्क में हर चीज के अंदर आप कहते हैं जी सब चीजें वाइट एंड ब्लैक, यानी सॉरी आप फरमा रही हैं चूंकि साइन इमरान खान साहब ने कर दिए हुए, उनके सिग्नेचर मौजूद है, लिहाजा वो जवाब दें, आप ये कह रही हैं। एब्सोल्यूटली, देखिए ना आपने एक पार्टी हेड के तौर पे, अब ये चीज़ आप मद्देनजर रखिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त फंडिंग के मामलात हैं उसमें किसी भी पार्टी हेड ने, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने या आसिफ जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने या नवाज शरीफ ने, उन्होंने कोई साइन करके नहीं दिए हुए। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इमरान खान साहब ने बतौर पार्टी सरबरा साइन करके दिए हुए हैं, तो ये इस चीज़ से आप, इस हकीकत से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। और पॉलिटिकल रेटोरिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो भी दे उनके अंदर लोगों को पता है, मेरी बात होती है वहाँ से लोगों से, ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, उनके नज़दीक ये बहुत बड़ा उनके खिलाफ एक चार्जशीट क्रिएट हो सकती है, बाहर आकर प्रोग्राम्स में आके, प्रेस टॉक्स करके, जलसों में जाके, वो जो मर्जी एक पॉलिटिकल रेटोरिक दें, लेकिन उनको पता है कि ये चीज़ उनके खिलाफ जा सकती है। इसके अलावा जो आप इंडिविजुअल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं ना कि जी ये देखें ये ओवरसीज पाकिस्तानीज है, बात सिर्फ उनकी नहीं है, हो सकता है वहां पे इलेक्शन कमीशन से गलती हो गई हो, अभी तक ECP ने कोई चीज जो है वो इसका कोई रिबटल नहीं दिया इस हवाले से कि जो इंडिविजुअल जो एक खातून आ गई है, दो तीन और लोग आ गए हैं, इस पर ECP का मौकिफ जरूर आना चाहिए, ECP को खामोश नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज इसे अमीर अब्बास साहब आपकी इजाजत से जरूर कहना चाहूंगी कि जो इशू है फॉरेन फंडिंग का या प्रोहिबिटेड फंडिंग का, वो कंपनीज के हवाले से है। अभी तक कोई भी एक कंपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह लेकर नहीं आई सामने। मिसाल के तौर पे अबराज से आपने कोई 12-13 लाख डॉलर लिए हैं, ये बहुत बड़ी रकम। अच्छा अबराज का मैं सॉरी गरीदा, मैं कल चूंकि हमको जर्नलिस्ट की इमरान खान से एक मीटिंग थी इसी सिलसिले में, उन्होंने कुछ अपनी चीज़ें ब्रीफ करना थी, तो उनसे जब मैंने सवाल किया आरिफ नकवी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आरिफ नकवी ने लाखों डॉलर्स प्रिंस चार्ल्स की चैरिटी को भी दिए हैं और वो एक पाकिस्तानी है, आज से 10-12 साल पहले अगर उसने हमें पैसे दिए तो उसके बाद पैदा होने वाले केसेस से और हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं देखिए प्रिंस चार्ल्स में कोई बहुत बड़े अच्छा ठीक है, आपने पैसे में लिखा, इलेक्शन कमीशन के हुआ है कि PTI ने UK में अपना जो चैप्टर खोला वो उन्होंने वहां पर एक चैरिटी के तौर पे खोला, लेकिन वहां पर जो फंड्स रिसीव होते रहे वो PTI के पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज होते रहे, जो कि UK में भी क्राइम है, जो कि पाकिस्तान में भी क्राइम है, तो फिर यहाँ पर आप राइट right. यानी वो एक और इरेगुलरिटी सामने आ रही है कि पैसे चैरिटी के नाम पे लिए शौकत खानम के नाम पे, वो पार्टी के पास। देखिए मसला ये अमीर अब्बास साहब कि जब आप UK की मिसाल दे रहे हैं, जब आप वहाँ के निजाम इंसाफ की बहुत बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, तो फिर ये चीजें भी क्वेश्चन होनी चाहिए। प्रिंस चार्ल्स जो भी हो, ठीक है वो UK का शहजादा होगा, वो UK का होने वाला बादशाह होगा, पाकिस्तान से उसका क्या ताल्लुक है? कल कलाम को कोई उठे पाकिस्तान के अंदर वो खान साहब का पॉइंट ये था कि अगर प्रिंस चार्ल्स पैसे ले सकता है और जिस शख्स से ले रहा है उसके पैसे प्रिंस चार्ल्स के लिए हलाल है, मेरे लिए हराम कैसे हो सकते हैं? नहीं माजरत के साथ, कल को पाकिस्तान में कोई शख्स उठे और वो कहे जी प्रिंस एंड्रयू पर भी हरासमेंट का इल्जाम लगता है, प्रिंस एंड्रयू ने भी लड़कियों का रेप किया हुआ है, प्रिंस एंड्रयू ने भी गलत काम किए हैं, तो मुझ पर क्यों इल्जाम लगता है? देखिए ये मिसालें नहीं होती हैं। चले आपने पाकिस्तान के कानून के तहत यही नुक्ता रखते हैं आरिफ फैसल चौधरी साहब के सामने। अमीर जी जी फरमाइए साहब, एक चीज जी जी मैंने कहा देखें बात यह है कि ये जब जाते हैं ना जी कोर्ट ऑफ लॉ में मामला, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि जिसका वो रिबटल दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक जजमेंट पास कर चुका है और उस जजमेंट में यूं समझें कि एक FIR है, वो FIR में उन्होंने जो गवाहान पेश किए उनमें से कि ये गवाहान हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ जाएंगे या PTI के, उनमें से कम 20 लोग ऐसे आ चुके हैं
जिन्होंने कहा है कि जनाब ये हमारा नाइकोप है, ये हमारा पासपोर्ट है, ये हमारी शरीयत है, ये हमारा नादरा का रिकॉर्ड है, तो हम पाकिस्तानी हैं। और $100, $50, $200, तो जब आप किसी भी FIR में इतना ज़्यादा झूठ शामिल कर देंगे या वो हकायक के बरक्स चीज़ें शामिल करेंगे तो वो मुकदमा आधे से ज़्यादा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा मुकदमा, कमज़ोर हो जाएगा। फैसल चौधरी साहब, तो खान साहब वाकई फंस गए हैं इस दफ़ा या ये सिर्फ चाय की प्याली में एक तूफ़ान है? जी बात यह है कि जिस जोश व जज्बे से मुकदमा पेश किया गया मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है? PTI ने तो हिसाब दिया अपना और उसमें से उन्होंने जो है मक्खन में से बाल निकाले और पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकालते रहे वो आप लस्सी में से। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की सोर्स क्या है? इन दोनों के मुकदमे भी वहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं और ये जो ये कहा जा रहा है कि अबराज ग्रुप से आपने ले लिया, फना से ग्रुप, मुझे ये बताएं, क्योंकि एक मुसीबत यह है कि पढ़ता कोई भी नहीं है। PPO पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 6(3) कहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉरेन कंपनियों से आप पैसे नहीं ले सकते? जी बिल्कुल, दफ़ा 6 के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल या निजी कंपनी, फर्म या पेशावराना एसोसिएशन से फंडिंग ममनू होगी। हाँ, तो इसमें फॉरेन कंपनीज का जिक्र है? नहीं है, गैर, मैं बता रहा हूँ ना, मल्टीनेशनल कंपनी और प्राइवेट कंपनी नहीं है, नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल ले भी लिए, किसी भी पार्टी से प्रोहिबिटेड फंडिंग की सोर्स आ गई, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम पेनल्टी है कि वो कॉन्फिस्केशन हो जाएगी। ये जिस केस का हनीफ अब्बासी आप केस है, उसमें मैं वकील हूँ PTI जी, अनवर मंसूर साहब और मैं थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि हर पार्टी के फंड जो हैं वो ऑडिट किए जाएं और किसी से कोई इम्तियाज ना बरता जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का में ये स्टेटमेंट दिया, ये फैसला आप कह रहे हैं और जजमेंट, ये फैसला जजमेंट नहीं है, ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। अच्छा, क्योंकि फैसला इसलिए नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंतजामी इदारा है, ना वो अदालत है ना वो ट्राइब्यूनल है, उसको इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी आइन के तहत दी गई है और ये हजारों जजमेंट है इसके ऊपर। तो जो फैसल वाडा का इन्होंने फैसला दिया वो गलत है, उसके ऊपर सेप्टेम्बर में एक ही पॉइंट के ऊपर ये उनको लीव ग्रांट हो गई है, यानी लीव ग्रांट होती है जब कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है, तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि आप सिर्फ एक पॉइंट पे बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार था कि वो उसको डिसक्वालीफाई कर सके कि नहीं। अब इसमें जो सर्टिफिकेट जिसको ज़ोर और शोर से खुशू व गजू से मीडिया सेल जो बनाया गया है उसके मेंबरान जो हैं वो साबित कर रहे हैं कि ये बयान हल्फी है, बयान हल्फी और सर्टिफिकेट और डेक्लेशन पर फ़र्क होते हैं। बयान हल्फी के और लीगल इम्प्लीकेशन यानी उसके लीगल असरात और होते हैं, सर्टिफिकेशन जो है मैं हर पटिशन के नीचे सर्टिफिकेट देता हूँ कि ये पहली पटिशन है, ये को क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस, सही, अगर वो सर्टिफिकेट गलत साबित हो जाए तो पाकिस्तान का कोई भी वकील जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सके अगर इस बुनियाद पे, इस बुनियाद पे, सही, मजाक है ना। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने अभी शो कॉज नोटिस लेकिन, इशू लेकिन किया इसी पे सर, जो जो अब, ताकि अब, ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा ना, ये बयान एल्फी वाला। अब गरीदा ये नुक्ता उठा रही है कि इमरान खान साहब सिग्नेटरी हैं, उन्होंने साइन किए हुए, तो वो बरीउल जुम्मा कैसे हो सकते हैं भले ये सर्टिफिकेट हो? जैसे ख्वाजा आसिफ बरीउल जुम्मा हुए अपने कामे के, ख्वाजा आसिफ ने जो दिया सुप्रीम कोर्ट में लॉ ऑफ द लैंड ख्वाजा आसिफ केस जी, उसके बाद अब से उसके बाद कोई तकरीबन 20 जजमेंट्स और पे पास हो चुकी हैं, लेटेस्ट 31 मई की जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की जो कि पास हुई है। जो सर्टिफिकेशन है वो ये है कि ये ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, मैं आपको ऑडिटेड अकाउंट्स दे रहा हूँ, वो गलत इसलिए साबित हो सकता था कि अगर अनऑडिटेड अकाउंट्स को पेश किया जाता ऑडिटेड कह के, सही, फिर तो ये जो उनकी फाइंडिंग है वो है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट सर्टिफिकेट, यानी बारे सबूत आएगा ऑडिटर के ऊपर, ऑडिटर नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन और इनके ऊपर आ गया ना, आप तो इन्होंने करना। आप मुझे ये एक सवाल का जवाब दें, मेरे वहाँ साहब साबिर साहब भी सुन रहे हैं, गरीदा भी सुन रही है, शो कॉज नोटिस आप इशू कर रहे हैं यानी वजाहती नोटिस आप इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर रेफरेंस किस लॉ के तहत और किस बुनियाद के ऊपर भेजा गया, हुकूमत किस बुनियाद पे? आप देखें ना, ये हम पूरी पब्लिक की तरह, मुझे भी यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं करना, कोई भला काम नहीं करना, लेकिन
लीगली स्पीकिंग जो प्रजम्पशन होगी वो ये होगी कि शो कॉज नोटिस इशू हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने कहा कि हमने एडवर्स ऑर्डर नहीं करना, हम तो सिर्फ शो कॉज नोटिस इशू करेंगे। मैं अभी आपको ऑर्डर सारे व्हाट्सएप करा देता हूँ, आपने शो करना तो कर भी लीजिएगा। शो कॉज नोटिस दे रहे हैं अभी, आप वजाहत तलब कर रहे हैं, और वजाहत तलब करने से पहले आप प्रेफरेंस भेज रहे हैं फॉरन एडेड पार्टी डिक्लेयर करके। अब ये डाइकॉटमी है कि अगर वो वजाहत मुतमिन कर लें कि आपकी फाइंडिंग गलत है तो वो रेफरेंस कहाँ जाएगा, फिर रेफरेंस कहाँ पे जाएगा। अच्छा, एक और केस भी तो चला गया ना इलेक्शन कमीशन में। एक ब्रेक आपकी इजाजत के साथ फैसल साहब, तो मैं आप ही से सवाल रखता हूँ उनके सामने कि एक केस है जो इलेक्शन कमीशन के पास फॉरेन फंडिंग का केस था या इलीगल फंडिंग का, और एक केस है तोशा खाने का जिसका रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जा चुका है। ब्रेक के बाद खुश आमदेद फैसल साहब, इधर डूबे उधर निकले, ये खान साहब की जान छूटने वाली नहीं है। एक तो ये हो गया ना इलेक्शन कमीशन वाला, दूसरा जो आगा रफीउल्ला, मोहसिन शाह नवाज रांझा और एक और एमएनए की तरफ से इमरान खान साहब के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस चला गया है कि इन्होंने तोशा खाना से जो तहफ़ लिए उनको डिक्लेयर नहीं किया अपने एसेट्स में, उसका क्या जवाब देंगे? अब दो चीज़ें, ये तो नगेट हो रहा है जो अभी खुशियो वजू से बयान किया जा रहा था, बयान हल्फी गलत साइन, इसका मतलब है कि फिर वो काम पक्का नहीं है। वो काम पक्का नहीं है तो फिर ये रेफरेंस फाइल हो रही है ना। पहली तो नेगेशन हो गई ना उसी में, शाहनवाज ने भी कर दिया, मोहसिन ने भी कर दिया, बाकियों ने भी कर दिया, पांच एमएनए से 10 अप्रैल से तो वो एमएनए नहीं है। और यही हमारा हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि 9 हल्कों पर करेंगे, और खान ने कहा चलो मैं 9 पे लड़ लूँगा। इशू ये है कि ये चीज़ें अब इनके पास, क्योंकि पॉलिटिकली तो ये डिफीट नहीं कर सकते ना, कम्पीट नहीं कर सकते खान साहब को, वो बहुत पॉपुलर हो गए। अभी इलेक्शन का जो ज़िमनी रिजल्ट आया पंजाब में, सही है, इन स्पाइट ऑफ जो जबरदूस के बावजूद वो कामयाब हो गए। एक जैसा पिंडी की सीट हराई गई, वो भी सबको पता कैसे हराई गई। एनीवेज, अब मसला ये है कि टेक्निकल नॉकआउट करें। टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए ये जैसे पंजाब असेंबली में इन्होंने नकल की कासिम सूरी साहब की, डिप्टी स्पीकर की, वो भी भोंडे ही, वो भी इंतहाई इलीगल, मतलब वो स्टैंड ही नहीं कर सकती थी। पूरे पाकिस्तान के वकला एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे थे, फिर उन्होंने क्या किया कि उसमें बयानियां बनाने के लिए जज साहबान, वही जज साहबान इन्होंने को वजीर आजम बनाया, जिनको जिन्होंने इनको वजीर आजम बनाया, उनके खिलाफ जो हजियान, जो एक हर्जा सराई, जो कुछ हो सकता था, मीडिया सेल जो के चलाते हैं, जिसके कुछ लोग मेंबर भी हैं, और जो हैं वो एक डॉन ग्रुप के दो जो लोग हैं जो उनके हेड हैं, ये उनकी जो जजेस के खिलाफ एक तहजीक अमेज मुहिम चलाई गई, जिसमें वो मीडिया सेल के जिनकी व्हाट्सएप के वो लीक भी हुए, वो मेम्बरान लोग वो भी उसमें शामिल थे। आप इनसे पूछ लें, मीडिया सेल के मेम्बरान से पूछ लें कि भाई नवाज लीग की फंडिंग की सोर्स बता दें, अगर ये आपको बता दें तो आप मेरा नाम। यही केस लेके आपके पास साबिर शाकिर साहब चले, इमरान खान साहब का तो फैसला आ गया, उसको फैसला कह लें या उसको इन्वेस्टिगेशन कह लें, इलेक्शन कमीशन जी उसको चार्जशीट कह लें कि इलेक्शन कमीशन ने जो फ्रेम की है। सो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी फैसले तो नहीं, FIR या चार्जशीट व्हाटएवर वो सामने आएगी, वो तो जब आएगी सो आएगी, लेकिन अभी तो उन्होंने इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी को डेंट पब्लिक में तो डाला है। आज भी हमारे प्रोग्राम से कुछ देर पहले भी मरियम औरंगजेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जो पब्लिक स्पेस है उसमें तो PDM ये साबित कर रही है कि इमरान खान साहब का जो स्टेचर था ट्रांसपेरेंसी वाला, वो स्टेचर नहीं है। दरअसल देखिए, पब्लिक में तो तब होएगा, पता चलेगा जब इलेक्शन में कोई डेंट पड़ेगा। मैं पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की ये कोशिश जरूर कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव पे ही जाएंगे, ये पॉलिटिकल बैटल की तरफ जाएंगे, ताकि पहले इमरान खान साहब का जरा थोड़ा सा किरदार मशकूक बनाया जाए। असल मसला ये नहीं है, एक तरफ ये कहते हैं पार्टी तहलील, अब ये पार्टी तहलील नहीं करवाना चाहते, क्योंकि पार्टी अगर तहलील करवाते हैं, अब ये सिर्फ फोकस कर रहे हैं इमरान खान साहब को, और इमरान खान को क्यों फोकस कर रहे हैं मैं भी आपको आगे जाके बता दूंगा। पार्टी नहीं तहलील करवाना चाह रहे ये, और पार्टी इसलिए नहीं तहलील करवाना चाह रहे, अगर पार्टी तहलील करवाते हैं तो इनकी फेडरल गवर्नमेंट भी और फ्रेश इलेक्शन फौरन आ जाते हैं, ये भी जहन में रखिएगा कि फिर ये सारे का सारा पार्लिमानी ढांचा जमीन बोस हो जाएगा फौरन। पार्टी तहलील करवाने का मकसद क्या है? आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट डिजॉल्व, गिलगित बल्तिस्तान डिजॉल्व, KPK डिजॉल्व, पंजाब डिजॉल्व, और सिंध से भी MPAs इनके फारिग,
और पार्टी अहदेदार फारिग, ये सारे का सारा। और फिर उसमें आपके जो कौमी असम्बली में राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर और उनके साथ जो 20 बैठे हैं वो भी डिस्क्वालीफाई होते हैं, उनको भी बचाना है। तो इसलिए ये बड़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त। ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसें बहुत ज्यादा होंगी। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर ये वाकईतन इनका केस इतना मजबूत है और ये समझते हैं आजम नजीब तारड़ साहब, राणा सनाउल्लाह साहब कानूनदान हैं बड़े तगड़े, तो फिर तो फौरन 1843 के तहत पिटीशन चली जानी चाहिए थी, नहीं जा रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुक गए, FIA के हवाले कर दिया। सही है गरीदा साहबा, हुकूमत दबाव बढ़ा रही है PTI के MNAs MPs के ऊपर ये कहकर कि अगर आप मुस्ताफ़ी हो जाएं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पार्टी फॉरेन एडेड है या फॉरेन फंडेड है और ये पार्टी बैन हो जाती है, तो फिर सारे MNAs MPs भी 4 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इमरान खान भी होंगे या सब भी हो जाएंगे। लिहाजा PDM इनको ल्योर कर रही है कि भाई इससे पहले कि तुम 4 साल के लिए बैन हो जाओ तुम पहले इस्तीफा दे दो। अच्छा अमीर अब्बास साहब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। एक तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ये बड़ा मसला है कि वो अपने हवाले से किसी का भी जवाब देने से पहले, ये पता नहीं उनके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कोई इनबिल्ट फॉल्ट है कि वो दूसरों के ऊपर ज़ाती हमले, रकीक हमले और बेबुनियाद हमले, जिसका ना झूठ से, जैसे कहते हैं ना कि झूठ का कोई सर पाँव नहीं होता, तो ये PTI के तमाम लोग, चाहे उनके एसोसिएटेड हैं, चाहे उनके हमदर्दान हैं, चाहे उनके दौरे हुकूमत में फ़ायदा हासिल करने वाले, ये सब का ये वतीरा है। तो एक सवाल तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, फैसल चौधरी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से भी हैं, फवाद चौधरी के भाई हैं, फवाद साहब की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, फैसल साहब की भी इज्जत करती हूँ। अभी कुछ देर पहले इन्होंने कहा कि जी वो कोई मीडिया सेल है जिसके कोई व्हाट्सएप के स्क्रीन शॉट्स भी आए हुए थे, तो मैं ज़रा इनसे पूछना चाहूँगी कि ज़रा ये वाजे करके मुझे बता दें, मैं जानना चाह रही हूँ। ये माशाल्लाह एक लीगल माइंड हैं, इनको पता होगा कि कोई भी चीज़ बेबुनियाद तरीके से नहीं करनी चाहिए और ऑन एयर मीडिया पे आके तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसमें तो ये कौन से स्क्रीनशॉट्स की बात कर रहे हैं? गरीता एक बात मैं कहूँगा, ये फैसल चौधरी साहब ने एलिगेशन लगाए हैं जी मुस्लिम लीग नवाज पे या पीपल्स पार्टी पे, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम वजाहतें मांगे? वो पीपल्स पार्टी जाने, मुस्लिम लीग नवाज जाने, वो एक और पैराए में कह रही है, हक है ना सवाल करना, मेरा हक है। वो एक मीडिया सेल के हवाले से कोई बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी स्क्रीनशॉट्स, तो ये जवाब देना चाहिए आप कौन से स्क्रीन शॉट्स की, आप व्हाट्सएप के कौन से स्क्रीन शॉट्स की बात कर रहे हैं? आप जिस प्रोग्राम में आए उनका जवाब दें, अपने हर चीज अपने पे नहीं ले लेते। नहीं आपने, मीडिया सेल की बात की, आप जो व्हाट्सएप के स्क्रीन देने की जरूरत है लेने के लिए ना, नहीं आप डट के खड़े हो ना, आप बताएं मैं डट के खड़ा हूँ, आपको वजाहत देने की जरूरत है लेने की जरूरत नहीं है? आपका इशारा की गरीदा साहब की तरफ तो नहीं था जी? आप जो प्रोग्राम का टॉपिक उस पर है, गरीदा साहब आप बताइए कि कौन से व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स कर लूंगा मुझे? नहीं नहीं, मैं आपको इस तरह भागने नहीं दूंगी, मैं इस तरह भागने नहीं दूंगी। वो कह रहे हैं कि मैंने आपकी तरफ इशारा नहीं किया। असल में मसला ये है कि आप ये ना तो इनको वहां पे जो स्क्रीनशॉट्स आए थे या जो भी, ये तो उसके सोशल मीडिया पे आए हुए हैं, या तो आप इनकार करें उस पर, तो या आप उसको एक्सेप्ट करके आगे चले। अगर आपने उनको एक्सेप्ट किया और अभी तक रिवर्ट नहीं किया और आपने कुछ काम नहीं किया, तो आप मेरे से सवाल क्यों पूछ रही हैं? और मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने उस वक्त नहीं भी किया था, तो वो जो स्क्रीनशॉट्स आए हैं उनकी हकीकत जो है उसकी वजाहत देने की जरूरत है। जो दूसरों का एहतसाब करते हैं उनको अपना भी एहतसाब देना चाहिए। आप वहाँ पे जो नून और काफ की ये रिप्रेजेंटेशन करते हुए साफी है ना, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आपका इशारा गरीदा साहबा की तरफ तो नहीं है, आप चूंकि वो बैठी है तो जो सवाल उनसे पूछना है वो कर लेंगी, जो इशारा होगा तो मैं कर लूंगा जवाब। उन्होंने चूंकि आपसे पूछ लिया ना कि आप बताएंगे। एक ब्रेक के बाद गरीदा साहब से स्टार्ट करता हूँ, एक भी से स्टार्ट करता हूँ कि जो 9 हलकों पे इमरान खान साहब ने कंटेस्ट करने की बात की है वो डुएबल होगा? 9 हलकों पे जाके एक ही उम्मीदवार होगा, उसके बाद क्या होगा? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद साबिर साहब, 9 हलकों पे इमरान खान साहब कंटेस्ट कर रहे हैं,
जीत जाते हैं अगर वो 9 के 9 हलकों पे एक रखेंगे, और एक तो खैर उनके पास पहले भी नशिस्त है, तो ये तो 9 की 9 नशिस्तें खाली हो जाएंगी, उस पर फिर ज़िमनी इलेक्शन होगा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि बहुत ही स्मार्ट है, और तमाम पाकिस्तान में जितने भी हमारे एनालिस्ट हैं, इवन मुजीबुर रहमान शामी साहब को भी सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं बर्र सगीर में अब तक ये सबसे स्मार्ट मूव है, अब से पहले कभी ऐसा नहीं, क्योंकि वो जाएंगे 9 सीटों में। असल मकसद क्या है कि गवर्नमेंट चाह रही है, गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि ये जो 2 नंबरों का फ़र्क है, वो भी क्योंकि इनके अपने नंबर्स तो नहीं है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने नंबर्स तो बहुत कम हैं, और एक नंबर से इनकी जो है पीएमशिप है, और जो फ्लोर क्रॉसिंग वाले हैं वो उनसे ये वोट ले नहीं सकते, राजा रियाज एंड कंपनी से। तो इसलिए अब इनकी कोशिश है कि ज़िमनी इलेक्शन में ये 9-9, 10-10 सीटें करवा के 2-2, 1-1, 2-2, 3-3 MNA जितने मिलते जाएं वो प्लस करते जाएं, और हमारी ये जो BNP मैंगल से जान छूट जाए, उनका प्रेशर ख़त्म हो, काफ लीग के जो 2 वोट हैं ऊपर उनकी ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो, शाहजैन बुक्टी की ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो, भोतानी साहब की ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो, जो MQM की ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो, और इसलिए ये इनकी स्ट्रेटेजी ये है, क्योंकि ये नहीं जा रहे जनरल इलेक्शन की तरफ, जाना नहीं चाह रहे। तो इमरान खान साहब ने उसका हल निकाल लिया, उन्होंने कहा जी मैं 9 की 9 सीटों पर लड़ूंगा, 9 सीटों पर लड़ के वो 9 की 9 सीटें छोड़ देंगे, वो सीटें फिर खाली हो जाएंगी, अगर 9 जीतते हैं 8 जीतते हैं 7 जीतते हैं जितनी भी जीतेंगे वो, तो इससे एक तो उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा हो जाएगा। अब देखना यह है कि PDM जो है वो अब क्या करती है, क्या वो नामवर मौलाना फजलुर रहमान साहब को आके इलेक्शन लड़ना चाहिए, मैं तो कहता हूँ सही इलेक्शन तो सिटिंग MNA भी लड़ सकता है, जैन कुरैशी हमारे सामने एग्जांपल है, उन्होंने MPA का इलेक्शन लड़ा, कल ये भी चलता रहा मीडिया पे कुछ लोग के शायद नहीं लड़ सकते, इलेक्शन तो लड़ सकते हैं खान साहब, कोई पाबंदी इस सीट के साथ लड़ सकते हैं, 260 सीटों पे 371 सीटों पे लड़ सकते हैं, रिजर्व सीट्स पे तो नंबर ऑफ सीट्स की भी कोई पाबंदी नहीं, 326 की 26 सीटों पे खान साहब लड़ सकते हैं, कोई कदर नहीं है ना आईन में ना लॉ में। अच्छा, अब 25 सितंबर को शेड्यूल आ गया है, 25 सितंबर को इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन खान साहब जीत जाते हैं मिसाल के तौर पर 6-7-8 पे जीत जाते हैं, और उसके बाद वो छोड़ देंगे सीट्स, फिर उसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होगा जाके नवंबर में दिसंबर में, फिर खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे छोड़ देंगे। हाँ, पॉलिटिकली तो उनका बहुत बड़ा सिक्सर है मुझसे, कि PTI ने ये जो पॉलिटिकल उनकी कमेटी है या पॉलिटिकल जो उनका अपना इनसाइड है, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी उन्होंने दी है, और इसमें बिल्कुल ये अब जो PDM है, आपने कहा कि वो कोई डेंट डालने में कामयाब हो गए, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता माजत के साथ जी। बसाद एहतराम अमीर अब्बास साहब, इमरान खान साहब का खौफ ही उनकी अवामी मकबूलियत है, उनका अवाम में बेपनाह जो असर है, जो उनका बयानिया जो है, मुझे हमारे एक बड़े सीनियर आपके जर्नलिस्ट हैं, मुझे वो इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं हज पर गया था वहाँ पर सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पर होटल के कमरों में एब्सोल्युटली नॉट लिखा हुआ। अच्छा, तो मकबूलियत तो उनकी पाकिस्तानी दुनिया के कोने कोने में, यही बात उनकी जो है सबसे ज़्यादा जो है ना खौफ में मुब्तला की रखती है PDM को, और PDM के पीछे जो एक है नदीदा कुवते, हालांकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर वो इलेक्शन के अलावा जितना वो डिले करते जा रहे हैं PDM वाले, ये चीज़ें उनके खिलाफ जा रही हैं, और वो दिन ब दिन, उसकी वजह महंगाई भी है, उसकी वजह बेरोज़गारी भी है, बढ़ती हुई कीमतें भी हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो इनकैश हो चुका है इमरान खान साहब के सूरत में। अब इनका ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ को किसी तरह वापस लाया जाए, ताकि वो फिर मियां नवाज शरीफ भी शायद उनका मुकाबला कर सकते हैं, बाकी तो लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंट होकर खान साहब ने ये तो कह दिया कि मैं 9 हलकों पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इसका कहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है ना, असली उसकी वजह देखें, जब आप कोई बात करते तो फिर पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड एनालिसिस भी देखिए, क्या कह रहे थे ये इनके जो लोग थे ये ज़िमनी इलेक्शन पंजाब से पहले, और जब पहली तारीख को वो तो कह रहे थे हम 16-17 पहली तारीख को उन्होंने कहा कि नहीं मुझे आप CM रखें तो ही मैं इलेक्शन 22 को, ये अपने कंसेंट ऑर्डर दिया ना इन्होंने, कंसेंट से अपनी मर्जी से चौधरी साहब ने, परवेज़ अलाई साहब और अपना हमजा शहबाज ने, ये उस कंसेंट ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जिसके बाद फिर उन्होंने जब वो मामला गड़बड़ हुआ तो फिर ये 22 की डेट भी सुप्रीम कोर्ट ने 22 की डेट भी इनकी कंसेंट से दी थी, इनकी कंसेंट से दी थी। गरीदा साहब, 9 हलकों पे इमरान खान साहब कंटेस्ट करने जा रहे हैं बजाते खुद,
ये उनका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? अच्छा, वो बात मेरी कहीं पर रह गई थी क्योंकि आपकी तरफ से मुसलसल स्काइप का इशू आ रहा था, तो बहरहाल उसको मैं कट डाउन करूंगी, मुख्तसर करूंगी बात को, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं टेलीविजन स्क्रीन पे झगड़े में मुलव्विस हूँ। मैं अपनी बात करती हूँ और बाकी पार्टिसिपेंट को अपना मौके देना चाहिए, और मैं जिस बात पे बिलीव करती हूँ उस पर डट के खड़ी होंगी। मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं कहूंगी जो उसके झूठ होगी, जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, जो सोशल मीडिया पे उनके झूठे हमदर्दों की तरफ से, किसी की भी सियासी वर्कर नुमा सहाफियों की तरफ से आएगी, वो चीजें मैं बैठ के फैलाऊंगी नहीं। और खासतौर पर अगर मैं कोई ऐसी बात आनी झूठ सच में तमीज करना है, और कोई भी ऐसी बात जिसकी तस्दीक ना हो सके उसको आकर कहीं भी करना नहीं चाहिए। अब आपका जवाब, इमरान खान साहब ने कल कहा कि जी 9 सीटों पर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। एक तो इसमें टेक्निकल ग्राउंड है, लीगल ग्राउंड हो सकती है कि अभी तक तो इमरान खान साहब का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, तो वो किस तरह से बाकी सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसकी हमारे पास एक मिसाल है अभी गरीदा, उसकी एक मिसाल है कि जैन कुरैशी एमएनए, उनका भी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने एमपीए का इलेक्शन कंटेस्ट किया है, अभी वो जीते। अच्छा चलें, अगर ये प्रेसिडेंट आ जाती है, ये चीज इसको एक्सेप्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें फिर लीगैलिटी के अलावा दूसरा जो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो सामने आ जाएगा। अच्छा, वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजमूआ है उन तमाम कारकुनान का, उन तमाम रहनुमाओं का, उस तमाम यूथ का कि जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेस करती है। अब जब आप उन हलकों से भी इलेक्शन लड़ने की बात करेंगे कि जहां पे आपके एमएनए पहले कंटेस्ट करके और बड़ी जबरदस्त तरीके से जीते हैं, क्योंकि किसी भी एक हलके में सिर्फ पार्टी का वोट बैंक नहीं होता। गरीता, एक बात, वो सूरत हाल ये है कि इस वक्त ना ये कोई जनरल इलेक्शन की तरफ तो हो नहीं रहा। आपको पता है एक पॉलिटिकल बैटल चल रही है, पीटीआई जो है वो कह रही है जनरल इलेक्शन करवाए जाएं, फौरी तौर पे अनाउंस किए जाएं, और हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो 125 अरकान के इस्तीफे भी आ चुके हैं, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे, वो लिटिगेशन चल रही है। और कासिम सूरी जो है वो बतौर कायम मुकाम स्पीकर के तमाम इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज चुके हैं। ये सारे का सारा रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हो चुका है। तो एक स्पीकर के ऑर्डर को नहीं मानते इलेक्शन कमीशन, दूसरे स्पीकर के ऑर्डर को मान रहे हैं, तो ये सारा तनाज़ा उस बैकग्राउंड में अगर देखें तो इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि उनको पता है कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है, और असल जो चीज़ है उनको ये सारे मिल के डिस्क्वालीफाई करवाना चाह रहे हैं। फैसल साहब, नहीं, ये तो गैर मामूली सियासी हालात में गैर मामूली सियासी फैसला है। सही है, ये जो ये गैर मकबूल फैसला भी है या नहीं? गैर मामूली फैसला तो है, ये गैर मकबूल। आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब की जो जमात है ना, वो ये कहते हैं कि आप वो सिटी मारते हैं तो लाखों लोग जमा हो जाते हैं। ठीक है, क्राउड पुलर है, कोई क्राउड पुलर है, और फिर क्राउड उनका जो है, आप पहले ये कहा जाता था 18 में कि जी किसी के कंधों पर चढ़ के आए हैं तो इनका तो वो जलसे भी बड़े हो जाते हैं, बस वोट नहीं पड़े। तो इस बार तो फिर हुकूमत भी इनकी थी, इलेक्शन कमीशन भी इनका था, बाकी सारा कुछ भी इनका था, सिक्योरिटियाँ भी इनकी थी, फिर उसके बावजूद वो कन्वर्ट हो गए ना। देखिए, वो फिर वो जो क्राउड है वो वोट में कन्वर्ट हुआ, और जिस तरह पीटीआई ने इस बार इलेक्शन लड़ा है, आप उनकी जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लें, उनके एनालिसिस सुन लें, वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही मेच्योर तरीके से इलेक्शन लड़ा है। देखिए, अगर इमरान खान 9 हलकों में इलेक्शन लड़ेगा तो पूरी पीटीआई पूरे पाकिस्तान की 9 हलकों के ऊपर फोकस होगी, कॉन्सेंट्रेट होगी, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, इसी वीक में जब ये होता है, ये बाकी 131 हलकों के भी इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा, और 9 एमएनएस के खर्चे भी बच जाएंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा फारूकी साहब, साबिर शाकिर, फैसल चौधरी साहब। इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा सियासी, आप कह लें जुआ, यानी अगर वो 9-9 जीत गए तो ये एक आलमी रिकॉर्ड बन जाएगा, पाकिस्तान में, एशिया में रिकॉर्ड बन जाएगा। कभी किसी ने ना कंटेस्ट किया और ना ही कभी किसी ने एक ही दिन में इतनी नशिस्तें एक ही शख्स ने कभी जीती होंगी। और अगर उन्होंने इसमें से ज़्यादा अक्सरियती सीटें हार ली ना जीत सके, तो जाहिर बात है पीडीएम के पास एक ये जवाब होगा कि इमरान खान अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।